भगत नामदेव ग्रंथ यात्रा का करनाल राजपुरा के सरबदा भला ट्रस्ट और चढ़दी कला टाइम टीवी की टीम वालों भरवां स्वागत किया गया। इस मौके पर सरबदा भला ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर एस पी सिंह ओबराए, सरदार हरप्रीत सिंह दर्दी, डायरैक्टर चढ़दी कला टाइम टीवी और हजारा संगत मौजूद सन। गौरतलब है कि यात्रा श्री हजूर साहब नांदेड़ महाराष्ट्र तो मान गुरदासपुर तक कढ़ी जा रही है। नानक साहिब फाउंडेशन महाराष्ट्र वालों अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के सहयोग के यह यात्रा श्री हजूर साहब तो 31 मार्च में रवाना हुई सी। 3 अप्रैल में श्री दरबार साहब अमृतसर तो पैदल यात्रा घुमान तक कढ़ी जाएगी। यात्रा के दौरान पंद्रीनाथ बोकारे चेयरमैन नानक साहिब फाउंडेशन भी मौजूद सन। बोकारे जी की जो पूरा जो टीम है ये 3 दिन का प्रोग्राम 3-4-5 को जो है वहाँ जो गुरदासपुर है वहाँ आज राजपुरा में इतनी संगत में सब ने इनका स्वागत किया है इनका। और अखिल भारतीय मराठी साहित्य समागम को गुरदासपुर के घुमान में होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर हजूर साहिब से नानक साहिब फाउंडेशन की तरफ से और सरबदा भला ट्रस्ट के सहयोग से, चढ़दी कला टाइम टीवी के सहयोग से हम लोगों ने नांदेड़ साहब से तो घुमान तक भगत नामदेव जी की ग्रंथ यात्रा निकाली है। 31 मार्च को इस यात्रा का श्री हजूर साहिब में मत्था टेकने के बाद, अरदास करने के बाद यात्रा आरम्भ हुई है। बहुत ही धन्यवादी हूँ डॉक्टर एस पी सिंह ओबेरा जी, हरप्रीत जी दर्दी और हमारे दस्सा सिंह जी संधू जी का कि उन्होंने इस यात्रा का यहाँ पर बड़े पैमाने में स्वागत किया है। यहाँ पर जो भी आप लोग पधारे आप सभी का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। 750 साल पहले जिस तरह से नामदेव महाराज मराठवाड़ा से इधर आए आज भी वो वातावरण हमको दिखता है और सब आपस में भाईचारा देखने को मिलता है। ये भाईचारा ऐसा ही बढ़े।